लेकिन अब प्रोग्राम तो काफी शॉर्ट था, लेकिन कार्यक्रम का जो फेरी थोड़ा लंबा हो चुका है। हमारे बीच डॉक्टर अमित पासवान साहब होते हुए हमारे आर साहब हैं, फरीद रमानी साहब हैं, फरीद रमानी साहब हैं, और तमाम लोगों का मैं हर मतलब सम्मान करता हूँ। मैं डॉक्टर अमित पासवान साहब को मैं स्वागत दे रहा हूँ कि वो मंच पे आए और मैं दिल्ली से चल रहा हूँ लेकिन आपसे बीच पहुँच चुकी है ऊपर जी। डॉक्टर अमित पासवान सर आप साइड पर तशरीफ लाए, लेकिन अगर प्रोग्राम का जो पूरी तरह दौरा लंबा हो चुका है तो हाल बाजारों में दोनों घटे और उनका दिवाली करवाने मान के सामने आ रहा है। जोरदार ताली बजाए डॉक्टर अमित पासवान सर के लिए। हमारे साथियों, आज इस देहरादास के इलाके में यह जो पिछड़ा इलाका है, पसमांदगी का शिकार जो इलाका है, इस इलाके में मुझे आने का दूसरी बार मौका मिला है। एक बार मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आपके हाई स्कूल में आया था। साथियों, यहाँ पे सब लोग नेतागण उपस्थित हैं, डॉक्टर आर्या जी हैं, शैफी साहब दिल्ली से हैं, कुमारी भाई हैं, हम तमाम इस पूरे भारत की पहरेदारी करने के लिए एक ऐसे रहनुमा का चुनाव करने के लिए यहाँ तमाम नौजवान किसान मजदूर भाई खड़े हैं। भाई अब्दुल ईमान के लिए मैं उन तमाम लोगों को सर्वप्रथम नमस्कार, जय भीम, नमस्कार और सलाम करता हूँ। साथियों, यह जो चुनाव है, मैं एक बात खास बताना चाहता हूँ। मैं किसी कैंडिडेट के ऊपर नहीं बोलना चाहता, इतना बोलना चाहता हूँ यह जो चुनाव है ये 70 और 72 साल के चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव है। यह चुनाव सिर्फ रोड और मकान बनाने के लिए चुनाव नहीं है, अपनी बहन बेटियों के इज्जत आपरों और धन संपत्ति को बचाने का चुनाव है। आपको यह फिर का